मजलूम की आवाज पीएम न्यूज, सिर्फ और सिर्फ आशिक साहू के साथ पीएम न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, बिग स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आशिक हुसैन साहू। नाजरीन, मैंने अपने पहले प्रोग्रामों में भी आपको बताया था कि इमरान खान हुकूमत के गिर्द घेरा मजीद तंग होता जा रहा है। तरीकत में इत्माद कामयाब होती है या नहीं, मगर पाकिस्तान में कोई बड़ा सियासी हादसा जरूर होने वाला है, जिसकी निशानदेही वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद ने भी कर दी है। सियासतदानों की आपस की लड़ाई और एक दूसरे पर हमलों का फायदा किसको होगा है, इसका फैसला 10 मार्च तक मुतवक्के है। बहरहाल मुल्की सियासत में एक ही नारा गूंज रहा है, जिसके बाद पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, एक जरदारी साहब पे भारी, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हों या बिलावल भुट्टो जरदारी। नाजरीन, इस वक्त इमरान खान पर मुश्किल वक्त है और इसके इत्तेहादी एक एक करके इमरान खान को छोड़ रहे हैं। मुल्क की सियासी नाजुक सूरत हाल में जहांगीर तरीन की लंदन रवानगी पर कई सवाल जन्म दे रहे हैं। क्या वो लंदन में इलाज के लिए गए हैं या मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए? बहरहाल जहांगीर तरीन कोई अहम पैगाम लेकर लंदन गए हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जिन बागियर आखिर असम्बली की लिस्ट मियां नवाज शरीफ को दे दी गई है, जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात में वो तमाम बातें जेर बहस आएंगी। हालात दिन ब दिन इमरान खान के हाथ से निकलते जा रहे हैं, कप्तान की टीम में दरारें पड़ गई हैं, अब तो शेख रशीद की भी चीखें निकल रही हैं। मुल्क में एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। पीडीएम, सबसे पहले पंजाब हुकूमत और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तरीक़े-ए-इत्मीनान पेश करने जा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के मुतवक्का वज़ीर आला भी हो सकते हैं। हालात ये भी बता रहे हैं कि पीपीपी बहुत बड़ा सियासी धमाका करने वाली है। वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान सुलह दीवाने का ख्वाब तो हो सकती है, मगर हकीकत नहीं। नाजरीन, 10 मार्च से कबल बहुत बड़ा सियासी अपसेट होने वाला है। फतह किसकी होगी, कुर्बानी किसको देना पड़ेगी, मगर पाकिस्तान की माशियत पर इसके असरात जरूर मुरतब होंगे। वेब स्टोरी के साथ अपने मेजबान आशिक हुसैन साहब को इजाजत दें। अल्लाह निगेबान।